मुख्य और प्रमुख सचिव फंसे 29 शिक्षक भर्ती में। 3 काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी हैं, अब होगी 4th काउंसलिंग। जज साहब का आदेश क्या है जानेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को पता है कि लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और काउंसलिंग की मांग, 4th काउंसलिंग की मांग की जा रही है। उसी क्रम में एक आदेश आया हुआ है, तो उस आदेश को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो इलाहाबाद से आज की बड़ी खबर, 6800 पदों पर भर्ती का शासन आदेश तलब। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिया आदेश, वरना 6 जुलाई को मुख्य और प्रमुख सचिव होंगे पेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है, जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6,800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद सचिव विशेष शिक्षा परिषद ने 3 चरणों की काउंसलिंग से 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की है। बाद में शासन के संज्ञान में लाया गया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई है और 6,800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसके बाद शासन ने यह निर्णय लिया कि जिसका चयन गलत हो गया है उन्हें बाहर निकाला जाए, बल्कि खाली पड़े 6,800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर दिया जाए। इसी के तहत शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, लेकिन 5 जनवरी के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसा न होने पर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव विशेष शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित हों। तो 6 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को तलब किया गया, चाहे सरकार की तरफ से हो चाहे प्रतिपक्षी हो। तो यहाँ पर एक निर्णायक फैसला 6 जुलाई को देखने को मिलेगा और फिलहाल की डेट में कोर्ट के बाहर के रास्ते के लिए 6,800 के चयनित साथी सभी संघर्षरत हैं। धरना प्रदर्शन हो, SCERT हो, मुख्यमंत्री घेराव हो या डिप्टी CM घेराव हो या विधानसभा घेराव हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर चयनित साथी भी धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। अब देखना है 29 से संबंधित छोटी बड़ी कोई भी खबर रहेगी, सबसे पहले सटीक जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।